शाजीपुर में चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच के द्वारा दलित परिवारों के आशियाने उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। सरपंच की इस करतूत से परेशान होकर पीड़ित परिवार के लोगों ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मंगलवार को ग्राम उगहा के दर्जनों ग्रामीण मालवीय के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरपंच पर चुनाव रंजिश का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि चुनावी रंजिश के चलते गांव का सरपंच अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हुए उनकी झोपड़ी को अतिक्रमण बताकर हटाने का प्रयास कर रहा है, जबकि गांव के अन्य लोगों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उन पर किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महज दलित समुदाय के लोगों को चुनाव समय वोट नहीं देने पर निशाना बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस भूमि पर बनी झुग्गी झोपड़ियों को सरपंच अतिक्रमण बताकर हटाना चाहते हैं, वह उक्त भूमि पर सभी परिवार कई वर्षों से निवासरत हैं। इसी भूमि पर शासन की योजना के तहत परिवार के लोगों ने शौचालयों का भी निर्माण कराया है, लेकिन सरपंच के द्वारा उक्त सभी शौचालयों को ध्वस्त करने और झोपड़ियों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। साथ ही तहसीलदार से नोटिस दिलाया है कि 2 दिनों में झुग्गियां नहीं हटाई गई तो बलपूर्वक हटाई जाएगी। ज्ञापन में झोपड़ियों को नहीं हटाते हुए पट्टा स्वीकृत की मांग की गई है। झोपड़ी हटाई तो चक्का जाम होगा। दलित परिवारों की झोपड़ी हटाने के मामले में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय में शाजापुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मालवीय ने कहा कि गांव में सरपंच के द्वारा सिर्फ दलित परिवार के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि गांव के रसूखदारों के द्वारा कई बीघा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की बजाय दलितों को सताने का काम किया जा रहा है। मालवीय ने कहा है कि गांव का अन्य अतिक्रमण हटाए बिना ही दलितों के आशियाने उजाड़े गए तो शाजापुर मुख्यालय पर चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। शासन प्रशासन के पक्षपात पूर्व रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वोट का चक्कर में रंजी सकते हुए माँ का जो सरपंच है ग्राम उगाए तहसील सुजालपुर, माँ का जो सरपंच है उगाए गांव का, इनको तुमने मेरे को वोट नहीं दिया, मैं अतिक्रमण लाऊंगा, अतिक्रमण तुम्हारा ये सब हटवा दूंगा, जबकि इनका 100 साल से उस गांव पे कब्जा है, उसी घर इनके लेटरिन बनी है शासन के द्वारा, इनका कब्जा भी मान के मावसी बनता है, इनकी टोपरी झोंपड़ी भी बनी हुई है, तो पूरे गांव में कम से कम 40 बीघा अतिक्रमण है, तो अनुसूचित जाति पे क्यों पड़ते हैं सब लोग। ये सरकार की इतनी धोरी नीति है कि गरीब लोगों को ही परेशान करना है। ये और भी तो गांव में लोग के पास में 25-25-30-30 बीघा ज़मीन है, तो मैं शासन से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, कितने लोगों की ज़मीन ये इनकी, कम से कम 25 लोग हैं, 25 परिवार का वहाँ बसेरा हो रहा है और इनका लेटरिन बाथरूम वहीं बना हुआ है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें गरीब लोग सोचते हैं, गांव में जहाँ देखो जहाँ गरीब लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार होता है, गरीब लोगों का ही मकान तोड़ा जाता है, गरीब लोगों पे ही अतिक्रमण आता है, और भी तो गांव में 25-25 बीघा का अतिक्रमण कर बैठा है, इन पे क्यों नहीं। तो ये इसकी वोट की दोहरी नीति अपनाते हुए माँ का सरपंच और इन लोगों को परेशान कर रहा है। इसको शिकायत करिए आप। हमने अभी माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और माँ से इनको 2 दिन का ये दिया है के दो दिन हम आए साहब, हमारे जमीन जो कब्जा 100 साल से कब्जा है उनके, हमारा अतिक्रमण थोड़ी है, अपनी जगह ही है, उसमें उसको छुड़ा रहे सरपंच। और दूसरी बात यह है कि जो अन्य लोगों का वहाँ पे बना हुआ मकान भी बना हुआ है, पर वो सरकार की या सरपंच की दोहरी नीति के कारण हमारे ये अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या कहना उनका, वो ये कह रहे हैं क्या कि हमसे हटेगा, उनका रंजिश है, इसलिए वो हमारे भाई की रंजिश है, अब वो राजनीतिक रंजिश है उनकी, इसलिए हमारे से छुड़ाना चाहते हैं। वो केवल इतनी जगह ही कम से कम 40-50 बीघा है हमारे, और बड़े बड़े लोग उनके पास, और हमें SC ST के छुड़ाई जा रही है। मोहन सिंह, शाजापुर से दिलीप सुराष्ट्री की रिपोर्ट।